टैप नहीं होता बिछवा में, जब कोई बोलता है तो 10 हजार कतरा लिखा ऐसे से। चलो ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है कि अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि स्टेट 1 से, है ना, किसी स्टेट 1 से अगर कोई भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कुछ कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा यहाँ का, और ये थर्मोडायनेमिक स्टेट 1 बोला जाएगा। और थर्मोडायनेमिक स्टेट 1 से हम लोग जाना चाहते हैं स्टेट 2 में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस पॉसिबल है। ठीक है, हमने एक्सपेंशन देख लिया कि जो भी जा रहे हैं वो एक्सपेंशन है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो हमने कहा कि अब हम थर्मोडायनेमिक स्टेट 2 में जाना चाहते हैं। इसका मतलब कि अब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यहाँ का वॉल्यूम एटलीस्ट बदलेगा, दिख रहा है कम से कम, है ना। और हम स्टेट 1 से स्टेट 2 जाना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, पी को हम क्या कर दे, कॉन्स्टेंट रख दे, ठीक है। उसके बाद या तीन रास्ता है, दूसरा हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट रख दे, है ना, और वॉल्यूम कांस्टेंट रख दे। तीसरा रास्ता क्या हो गया, वॉल्यूम हम कांस्टेंट रख दे, वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हमें ये बताना है कि हमें ये पता है कि शुरू वाला वॉल्यूम V1 है और बाद वाला वॉल्यूम V2 है। अब हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि कौन से वाले प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, ज्यादा होगा। हमारे सामने सिनेरियो क्या क्या है कि हम इस थर्मोडायनेमिक स्टेट 1 से थर्मोडायनेमिक स्टेट 2 गए हैं, ये बात समझ में आया ना। इसका मतलब कि यहाँ पे तीन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, P1, V1, T1, और यहाँ पे क्या हो गया, P2, V2 और T2 हो गया। तो दैट इज अनदर सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट और ये अनदर सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि प्रेशर कांस्टेंट है पहले वाले प्रोसेस में, इसका मतलब हम आइसोबारिक की बात कर रहे हैं, P1 P2 के इक्वल है ना। अब अगर ग्राफ देखा जाए, इन टर्म ऑफ ग्राफ क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम हम दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे क्या दिखा दे रहे हैं, हम वाई एक्सिस पे हम प्रेशर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं हम लोग बनाते हैं, और दोनों ही एक्सपेंशन है। तो हमने कहा कि किसी वॉल्यूम V1 से हम क्या कर रहे हैं, V2 कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है पहले वाले में। प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब कि जो भी प्रेशर है वो प्रेशर वही बना रहेगा। तो हमने कहा चलो ये वाला हो गया, यहां से किसी वॉल्यूम हम V1 में चले गए, ठीक है। ये कोई भी वॉल्यूम क्या है, V1 है। इसका मतलब, और हमने प्रूफ किया था कि जो अंडर द ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो वर्क डन को देता है। इसका मतलब अगर हम बात करें इसके नीचे का जितना एरिया होगा वर्क को देगा, ये क्या हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सिर्फ पी नॉट मान लेते हैं, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P0 मान लिया, कोई भी प्रेशर होगा। अब हमने कहा ना आइसोथर्मल प्रोसेस से हम जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्टेट 1 से स्टेट 2 को थर्मोडायनेमिक सिस्टम में चेंज करें इस सिस्टम को, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रख के करना चाहते हैं। मतलब जब टेम्परेचर घटे तो हम हीट सप्लाई कर दें ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। इसका मतलब कि वो प्रोसेस क्या कहा जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाएगा। तो हमने कहा कि यहां से आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और किसी वॉल्यूम हम कहां आएंगे, V2 में आएंगे। तो ये हमने कह दिया कि दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये क्या है, आइसोबारिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, और ये क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। किसी ने कहा कि चलिए इसका मतलब कि अगर हम कंपेयर करें वर्क को, है ना, हम थर्मोडायनेमिक स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हैं और दोनों में हमने कहा कि वर्क हमने किसमें ज्यादा किया, तो एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, वर्क देता है। तो अगर यहां पे देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो गया, वर्क हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो एरिया अंडर द पीवी ग्राफ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, लेकिन अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क की बात करें तो ये क्या हो गया आपका, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क हो गया। तो अब बताइए कौन सा रीजन ज्यादा दिख रहा है, आइसोथर्मल का तो इतना ही है ना, और ये वाला पोर्शन ज्यादा हो गया,
आइसोबारिक प्रोसेस में इतना वर्क क्या है, ज्यादा हो गया। एरिया अंडर द ग्राफ जो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। ये बात समझ में है ना? इसका मतलब जब भी थर्मोडायनेमिक स्टेट वन से स्टेट टू हम जाते हैं और सेम एक्सपेंशन होता है, इसके लिए हमें आइसोबारिक प्रोसेस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और आइसोथर्मल में क्या करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा। अब इसी तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमने कहा कि एडियाबेटिक ग्राफ तो और स्टीपर होता है, तेजी से लैंड करता है। तो हमने कहा कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हम दिखाएं तो ये तेजी से लैंड करेगा और इस तरह से आएगा किसी वॉल्यूम भी वन तक। ये क्या हो गया आपका, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अब इस एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको दिख रहा होगा कि क्या होगा, वर्क ये तो सबसे कम हो गया एरिया अंडर द ग्राफ। इसका मतलब कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिक जो एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसमें वर्क सबसे कम करना पड़ेगा। ये बात समझ में है ना? उसके बाद किसकी बात आएगी, आइसो थर्मल की, आइसो थर्मल। और उसके बाद क्या हो गया, ये आइसो बारिक। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस करने आनी चाहिए। कई बार हमें न्यूमेरिकल डेटा की कोई जरूरत नहीं होती है, हम लोग ग्राफ से आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस प्रोसेस में वर्क ज्यादा होगा और किस प्रोसेस में वर्क क्या होगा, कम होगा। तो यहां से हम क्वालिटेटिवली सोच सकते हैं, देख के ग्राफ को बता सकते हैं कि जो आइसोबारिक का वर्क है, आइसोबारिक फॉर सेम एक्सपेंशन, ये ध्यान रहे कि हमने एक्सपेंशन सेम रखा है, इनिशियल वॉल्यूम सबका सेम है और फाइनल वॉल्यूम भी सबका क्या है, सेम है, हम तब कंपेयर कर रहे हैं। तो आइसोबारिक एक्सपेंशन में जो वर्क होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, आइसोथर्मल, एंड देन क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। बस ये नोट कर लीजिए। लो, जुखाम हुआ क्या आपको? देखो, तो हमें क्या करना है, आइसोथर्मल में वर्क कितना होता है इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं वर्क डन जो होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो वर्क होता है ये पी इंटू डी डीवी होता है, ठीक है? और किसी वॉल्यूम वी वन से कहां तक, वी टू तक, जब हम एक्सपेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वी वन वी टू दोनों डिफरेंट वॉल्यूम होने चाहिए। अब जो आइसोथर्मल की इक्वेशन है, अगर हम ये माने कि इस थर्मोडायनेमिक स्टेट वन से स्टेट हम टू जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, सपोज टी नॉट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम चेंज नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? जब भी टेम्परेचर फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है तो हम या तो हीट विड्रॉ कर ले रहे हैं या हीट सप्लाई कर दे रहे हैं ताकि टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे, और स्लोली हम धीरे 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 स्टेट वन से स्टेट टू की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और बाद में स्टेट टू तक पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा कि जो इस समय गैस इक्वेशन होगी, आइडियल गैस इक्वेशन होगी, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन आर टी, लेकिन टी की जगह हम टी नॉट रख दें क्योंकि टेम्परेचर ऑलवेज क्या पड़ा हुआ है, कॉन्स्टेंट पड़ा हुआ है। तो अब ये बताइए, यहाँ पे प्रेशर को हटाना है वॉल्यूम के टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एन आर टी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, देन जो W हो जाएगा दैट बिकम V1 से V2 दैट इज एन आर टी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, V और dV हो जाएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज सिस्टम है ना, आर गैस कांस्टेंट है तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और टी हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ये कांस्टेंट रखे हैं हम, ये तीनों ही कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, एन आर टी नॉट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन वी वन से वी टू क्या हो गया, वन बाई वी डी बी हो गया। अब वन बाई वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो एल एन वी होता है, लॉग विथ बेस E, है ना, एल एन वी कहते हैं। तो इसको लिख देंगे हम ln, ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है that is equivalent to log with base E, इसको ln कहते हैं। तो ln भी लिखेंगे,
और क्या हो जाएगा आपका, दैट इज वी वन इनिशियल वॉल्यूम और वी टू क्या हो गया फाइनल वॉल्यूम, और ये एनआर टी नॉट तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे लॉग अपर लिमिट रखेंगे पहले और माइनस क्या रखेंगे लोअर लिमिट, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे दैट इज इक्वल्स टू एनआर टी नॉट और ब्रैकेट में अपर लिमिट लॉग एल एन वी टू और माइनस क्या लिखेंगे एल एन वी वन। अब लॉग की अपनी प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है लॉग एम अपॉन एन हो जाता है ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। देखिए लॉग की कुछ प्रॉपर्टी यहां बता दे रहे हैं, एक प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी लॉग एम इंटू एन, ये क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, एम प्लस लॉग क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग एम अपॉन एन है डिवाइड में क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी आप यूज करते हो कि अगर लॉग एम की पावर एन है तो एन आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा एन लॉग क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टी है जो आपको एटलीस्ट याद रखनी चाहिए, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी। अब ये देखो उल्टा भी कर सकते हैं, अगर लॉग एम माइनस लॉग एन है तो उसे लॉग एम अपॉन क्या लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वैसा ही है ना लॉग वी टू मतलब एल एन वी टू और माइनस एल एन वी वन है तो क्या लिखेंगे एल एन वी टू अपॉन क्या हो जाएगा वी वन हो जाएगा, एल एन नहीं रहेगी एल एन रहेगा और ये क्या हो जाएगा एन आर टी नॉट। ये हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन इसमें एक और चक्कर होता है, आप जो ये एल एन दिख रहा है जनरली जो हम यूज करते हैं लॉग वो विथ बेस 10 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेस 10, और इसका क्या है बेस ई है, तो जब भी इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 फैक्टर आता है, तो ये इक्वल हो जाता है 2.303 log बेस 10 हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना, एल एन क्या होता है log with बेस ई होता है, लेकिन बेस 10 पे पूरी दुनिया यूज करती है कैलकुलेटर में जितना डेटा फीड होता है बेस 10 पे फीड होता है, तो हम क्या लिख देंगे 2.303 log 10 और अंदर जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी रहेगी, है ना, तो हम इसका बेस बदल दे रहे हैं तो इसको क्या लिख दें दैट कुड बी रिटन एज ए 2.303 एन आर टी नॉट लॉग क्या हो जाएगा वी टू अपॉन वी वन। तो ये फॉर्मूला हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए आपके पास जो डेटा यहाँ पे आया है लॉग वी टू बाई वी वन, यहाँ पे ये 2/1 वी टू बाई वी वन है तो ये P1 by P2 लिखा जा सकता है। कैसे, हम लोग जानते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 किसके इक्वल है NR T0 के, लेकिन ये P2 V2 भी तो इसी के इक्वल होगा, क्या हो जाएगा NR T0। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P2 V2 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा V2 by V1 लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा हुआ है V2 by V1 वो किसके इक्वल दिख रहा है P1 by P2 के इक्वल दिख रहा है। V2 by V1 को हम क्या हटा देंगे लिख के P1 by P2 लिख के हटा देंगे, मतलब वहां पे एक फॉर्मूला और नजर आएगा कि अगर प्रेशर की इंफॉर्मेशन है कि प्रेशर इतना टाइम्स हो गया तो वहां वॉल्यूम हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम वही यूज कर सकते हैं। तो अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 जो आइसोथर्मल के लिए वर्क हो जाएगा इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर 2.303 एन आर टी नॉट और क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, लॉग लिखने का मतलब ऑलरेडी होता है बेस 10 है ना, अगर बेस मिसिंग है नहीं दिख रहा है तो लॉग विथ बेस क्या माना जाएगा 10 माना जाएगा डिफॉल्ट, ये हो जाएगा आपका P1 अपॉन P2 हो जाएगा। तो दैट इज द अनदर फॉर्मूला इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब नाउ वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस
अब हमें पता है कि किसी भी प्रोसेस के लिए अगर वर्क निकालते हैं तो फ्रॉम डेफिनेशन क्या होता है, W इक्वल्स टू PdV होता है। किसी वॉल्यूम V1 से हम कहां जाते हैं, वॉल्यूम V2 में, ठीक है। और अगर V2 ग्रेटर देन V1 हुआ तो एक्सपेंशन कहा जाएगा, और V2 अगर V1 से कम हुआ तो कंप्रेशन कहा जाएगा, है ना। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है, वो दोनों के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। अब P को रिप्लेस करना है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि इसे वॉल्यूम चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। तो एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो हम लोग कहते हैं कि PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को K अज्यूम कर लेते हैं, है ना। अब यहां से प्रेशर हमें क्या दिख रहा है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, K अपॉन V की पावर क्या हो गया, गामा हो गया। इसका मतलब दिस कुड बी रिटेन एज ए के इंटू वी की पावर माइनस गामा लिख सकते हैं। अब ये यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे तो वर्क W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी वन से वी टू के टाइम्स वी की पावर माइनस गामा डी वी हो जाएगा। के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन वी वन से वी टू और V की पावर माइनस गामा dV होता है। अब देखिए यहां पे अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन में जब भी x की पावर n है dx, तो इसका होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये बात समझ में आ गया, तो बस ये फॉर्मूला फेल हो जाता है n इक्वल टू माइनस वन के लिए, n माइनस वन नहीं होना चाहिए। अगर n माइनस वन हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ये अनडिफाइंड रिजल्ट हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट ही डिफाइंड नहीं होगा। खैर यहाँ पे n मतलब जो माइनस गामा है ये वन आना ही नहीं है, माइनस वन आना ही नहीं कभी, ये बात समझ में आए ना। तो ये ध्यान रहे कि ये इंटीग्रेशन यहाँ पे ऑलवेज अप्लीकेबल है। तो अब बताइए n की जगह पे क्या है, गामा है माइनस का, तो क्या करें हम लोग, दैट कुड बी रिटेन एज ए के टाइम्स क्या लिख देंगे, बी की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन हो जाएगा। और अभी लिमिट रखना बाकी है, कहां से कहां, वी वन इनिशियल और वी टू फाइनल, ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट पहले प्लेस करते हैं तो आप क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तो हमेशा डिनोमिनेटर बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसको बाहरी कर देते हैं, दैट इज वन माइनस गामा, और लिमिट जहां रखनी है बस उसको इंटरटेन करते हैं, तो ये हो गया वी टू की पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस गामा, और माइनस वी वन की पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस गामा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको थोड़ा मैनिपुलेट करें, के को अंदर ले जाएं अगर हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस गामा, और के अंदर चला गया, और एक काम और हमने किया, ये वी की पावर वन को अलग कर दिया, गामा को अलग कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं, वी टू की पावर माइनस गामा, है ना, और यहां पे लिख दिया इंटू वी टू, लिख सकते हैं, है ना, पावर वन हमने अलग कर दिया, वही काम इसके साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का के वी वन की पावर माइनस गामा और इंटू वी वन हो गया। अब देखिए इंटेंशनली किया गया, यहां से अगर आप देखो इसको ऑब्जर्व करो, तो इसे दो चीजें हैं, आप ये कह सकते हो कि पी वन वी वन की पावर गामा, है ना, P1 V1 की पावर गामा को आप क्या लिख सकते हो, K लिख सकते हो, और यही काम आप किसको लिख सकते हो, P2 V2 की पावर गामा को भी आप क्या लिख सकते हो, K लिख सकते हो, या यूं कहो कि K को हम क्या लिख दें, P1 V1 की पावर गामा लिख दें, है ना, और जहां जरूरत हो उस K को P2 V2 की पावर क्या लिख दें, गामा लिख दें। तो अब ये बताओ अगर हम इस K को V2 के टर्म में डाल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या नजर आ रहा है आता हुआ, तो दैट बिकम वन अपॉन वन माइनस गामा, और अंदर देखो क्या हो रहा है, अंदर हो जाएगा पी टू वी टू की पावर गामा, और ये बगल में क्या पड़ा हुआ है, वी टू की पावर माइनस गामा, वी टू की पावर माइनस गामा और इंटू वी टू, तो इसका तो हिसाब किताब कट ही जाएगा ये, है ना, और माइनस क्या आ गया, देखो ये P2 V2 आ गया, इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 V1 आ जाएगा,
ये बात समझ आया ना, इस के को हम क्या लिख देंगे, पी वन भी वन की पावर गामा, तो भी वन की पावर गामा ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका। इसका मतलब अब देखिए, गामा की वैल्यू हमने डिस्कस किया था कि वन से बड़ी होती है, तो वन माइनस गामा निगेटिव हो जाएगा, तो हम गामा माइनस वन इसे बनाएंगे, लेकिन यहां से माइनस कॉमन करो और उस माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, डब्ल्यू इक्वल्स टू दैट इज पी वन भी वन माइनस पी टू भी टू अपॉन गामा माइनस वन हो गया। तो दैट इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, नोट करो। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो तीनों ही थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, पी भी चेंज होता है, वी भी चेंज होता है और टी भी चेंज होता है। तो अगर हम देखें तो ये आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस अपनी इक्वेशन को फॉलो करेगी, तो पी वन भी वन इक्वल टू एन आर टी वन कहेंगे, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, पी टू भी टू इक्वल टू एन आर टी टू लिखोगे, अब ये वैल्यू वहां पे प्लेस कर दो, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बिकम पी वन भी वन की जगह पे हम एन आर टी वन रख दें और पी टू भी टू की जगह पे एन आर टी टू रख दें, अपॉन क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन, एन आर कॉमन दिख रहा है और अंदर आ जाएगा टी वन माइनस टी टू, दैट इज डेल्टा टी, है ना। तो ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया, डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। तो कई बार ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दे देता है, गामा की इंफॉर्मेशन दे देता है, गैस कांस्टेंट दे देता है और चेंज इन टेम्परेचर दे देता है, तो आप यहां से वर्क निकाल लेते हो, ठीक है। हाँ बस, हो गया, शुरू करो, हम कर रहे हैं, नोट कर दो। Transfer agent.